नए साल की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस साल साल का शुरुआत बहुत ही शुभ योगों में होगा। इस दिन अश्विनी नक्षत्र में कन्या लग्न और मेष राशि में नए साल की शुरुआत होगी। सुबह शिव नामक योग बनेगा, इसके बाद सिद्धि योग और फिर सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। चूंकि साल की शुरुआत में ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन नए साल के पहले दिन वो अपने घर में रहेंगे। अब देखिए, कुछ लोगों पर शनि की साढ़े साती चलेगी, कुछ लोगों पर शनि की ढैया चलेगी, लेकिन कुछ लोगों को आजादी भी मिलेगी। अब चूंकि इस साल की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत शुभ योगों में हो रहा है, इसलिए इस साल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे। एक खूबसूरत तो वक्त दस्तक देने वाला है। कैसे, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, सबसे पहली बात कि ज्योतिष में सीयोग, अमृत योग, सर्वार्थ सिद्धि योग को बहुत शुभ माना जाता है। और जब इस योग में नए साल की शुरुआत होगी तो आपके करियर, व्यापार में तरक्की के योग बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, जरूरी कार्य बनेंगे, विदेश में नौकरी का सपना पूरा होगा और बहुत सा अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन जब आप कुछ खास वस्तुएं जो नए साल के पहले दिन खाई जाती है, अगर आप खा लें तो यकीन मानिए चीजें आपके पक्ष में आ जाती है, चीजें आपके मुट्ठी में रहती है। यानी यदि आप जैसा चाहेंगे वैसा ही चलेगा आपका साल। तो चलिए जानते हैं नए साल के पहले दिन कौन सी वस्तु है जो किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, बहुत सारे लोग गिफ्ट देते हैं, और वह कौन सी वस्तु है जिसे जरूर खाना चाहिए ताकि पूरा साल आपका बहुत स्मूथली चले। नए साल की तैयारी अभी से ही आप के मन में चल रही होगी कि क्या करना है क्या नहीं। बहुत से लोग तैयारियां भी शुरू कर दी होगी, कैसे पार्टी करना है, क्या करना है, दोस्तों के साथ मस्ती करना है, कहाँ जाना है, तमाम चीजें तो है। लेकिन क्या आपको पता है नए साल पर लोग गिफ्ट भी देते हैं लेते हैं, खासकर जो यंग लोग हैं वो लोग ज्यादा ये सब चीज करती हैं, जैसे कि एक्सचेंज करना अपने लव से खासकर। तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भूल कर भी नहीं देना चाहिए। पर ये नया साल ढेर सारे खुशियां, मस्ती, सुकून और एक अच्छा लाइफ दे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप सभी खूब इंजॉय करें इस जीवन को। तो नमस्कार, अब बात करते हैं हम इस टॉपिक की कि नए साल के दिन आखिर वह कौन सी चीज है जो भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए। देखिए, गिफ्ट वगैरह हमारे संस्कारों में ही है कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो हम एक दूसरे को तोहफा देते हैं, एक दूसरे की शुभकामनाएं देते हैं, ताकि हर किसी के जीवन में सुख हो, आनंद हो और हमारा जीवन जीना सरल हो जाए। लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी वस्तु होती है जो हम गलती से किसी को दे दें तो यकीनन बुरा साल इसके लिए थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। देखिए, पानी से जुड़ी हुई तोहफा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। याद रखिए, पानी से जुड़ा हुआ तोहफा चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो, कोई खास दोस्ती ही क्यों ना हो, एक्वेरियम ये भी पानी वाला है, या फिर झरने वाला सीन का कोई तस्वीर है, या कुछ ऐसी चीज है जो आपके जीवन में आर्थिक समस्या देता है और पैसों के मामलों में थोड़ी कमजोरी कर देता है, तो आप किसी को भी पानी वाली चीजें देने से बचिए। और दूसरी चीज है, जो चीज का आप काम करते हैं, अब आपका ऐसा काम है जहां लिखा पढ़ी करते हैं, चाहे वो मोबाइल है, कंप्यूटर है, कहीं ना कहीं कुछ तो पेपर वर्क करते होंगे ना, तो ऐसी चीजें किसी को भी ना दे। पेन, कॉपी, स्याही, कुछ भी इनके वगैरह देने से आपके बिजनेस में नुकसान हो सकता है, इसीलिए इन चीजों को देने से बचिए। माना जाता है कि रुमाल किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो रिश्तों में कमजोरी होती है, रिश्तों में गांठी आ जाती है। यानी कि आप जिसको भी रुमाल गिफ्ट में दिया उनके साथ आपके रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए किसी को भी रुमाल मत दीजिएगा। भगवान श्री गणेश की मूर्ति या कोई भी देवी देवता की मूर्ति किसी को भी गिफ्ट में कभी भी नहीं देना चाहिए। और एक बात हमेशा ही याद रखिए, अगर आपको लेना है तो खुद के लिए लें। अब माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, आपने किसी को दे दिया तो घर से लक्ष्मी जाएगी, गणेश जी को दे दिया तो आप सही डिसीजन सही समय पर कैसे लेंगे, तो कुछ चीजें अपने लिए भी सोचिए। और धारदार हथियार जैसे कि चाकू, नाइफ से टेपिर, बहुत सारे बताते हैं, कैची से लेटे नुकीली चीजें, कैची है, तलवार है, एंटीक चीजें हैं, ये सब चीजें जो है ना बुरा प्रभाव देती है। यानी कि लोहा से जुड़ा हुआ कोई भी चीज किसी को ना दे, चाहे वह काटा चम्मच ही क्यों ना हो,
स्टील का है, लेकिन फिर भी ये सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है और रिश्तों में दरारें डालता है। तो ऐसी चीजें किसी को भी देने से बचिए। वैसे तो नए साल पर किसी को भी पैसे उधार नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से लेना चाहिए, नहीं तो ये भी आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है। तो याद रखिएगा, किसी को धन ना देना है ना किससे लेना है इस नए साल पर, ताकि पूरा साल आपके जीवन में खुशियां लाए, धन की बरकत होती रहे। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि कौन सी चीजें देनी है और कौन सी चीजें नहीं देनी है। वैसे तो एक और बात है कि नए साल पर जब भी आप किसी को भी, मान लेते हैं कि किसी को बहुत आवश्यकता है किसी चीज़ की और आपको नहीं देनी है, जैसे कि घड़ी भी नहीं देनी, धारदार हथियार भी नहीं देना है, काले रंग का कपड़ा नहीं देना है, जूता चप्पल नहीं देना है, रुमाल नहीं देना है, पेन भी नहीं देना है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो नए साल के पहले दिन आपसे जरूर खाना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं, इस नए साल पर आपने अभी तक खूब मस्ती की होगी, इंजॉय किया होगा। अब रात में सोने से पहले एक ऐसा नाम जो आपके जीवन की परेशानियों को समाप्त करे, वैसे तो आपको पता है और पूरी तरीके से आपका नौकरी, आपका व्यापार वाला पार्ट इस साल बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा होगा। आपका जो करियर है उसमें आप तरक्की करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अभी यहाँ पर ये साल आपके अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से धन कमाएंगे। तो दुनिया भर के लोग लाइफ में गुडलक लाने के लिए 31 दिसंबर की रात कुछ चीजें खाती हैं, ताकि उनका भाग्य स्वर्ग या किस्मत का साथ पूरे तरीके से मिले। पहली चीज है मछली। यूपी देशों में साल में नए साल की रात 12 बजते ही मछली खाने का रिवाज है। मछली को तरक्की और समृद्धि से जोड़ कर देखा जाता है, क्योंकि एक बार में कई सारे अंडे देती है, ऐसा माना जाता है। अब देखिए दूसरी वस्तु है दाल। साल की आखिरी रात पर हरी सब्जी और दाल खाने से गुडलक आता है। दाल को आर्थिक संपन्नता से भी देखकर जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि यह सिक्कों की तरह गोल होती है और पानी में भिगोने पर फूल जाती है। तो अमेरिका में कुछ हिस्से पर नए साल पर डिश मनाई जाती है दाल की, और दाल खाने का विधान है। तीसरी ही वस्तु है अंगूर। यूरोपीय देशों में, अमेरिका में कुछ लोग नए साल पर गुडलक के लिए 12 अंगूर खाती है, ताकि साल के 12 महीनों में भाग्य का साथ मिले। और नूडल्स या जो मैगी चाउमीन वगैरह होती है ना, लंबी आयु का प्रतीक है, और चीन जापान में नए साल की संध्या पर नूडल्स खाने की परंपरा है, और ये नूडल्स को बिना तोड़कर ही खाया जाता है। अगली वस्तु है आइसक्रीम। केक या सिक्के वाला ब्रेड। तो ग्रीस में नए साल पर लोग केक या ब्रेड भी खाते हैं, सिक्के के साथ पकाया जाता है इसे, और मान्यता है जिसे सिक्के वाला का केक मिलता है उसे लकी माना जाता है। लोग आर्थिक संपदा से केक काटते हैं। दही। कई जगह पर नई शुरुआत करने के पहले दही खाना शुभ माना जाता है, और आमतौर पर हमारे देश में दही को शुभता से जोड़ कर देखा जाता है, इसीलिए नए साल के पहले दिन दही खाने से सौभाग्य बढ़ता है। पीले रंग के फल। पीले रंग का कोई भी फल आर्थिक संपन्नता का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है, तो ऐसे में नए साल पर ऑरेंज खाकर भी शुरुआत करने का परंपरा है। अनार। अनार तो हमारे देश में ही खाई जाती है, क्योंकि पहले से लोग अनार खाते हैं। मान्यता के अनुसार हल में जितने भी ज्यादा बीज होंगे उतना ही ज्यादा शुभ होगा, और अनार के दाने जरूर खाइए अपनों के साथ, ये बहुत शुभ है। सेव। कुछ लोग नए साल पर सेव भी खाते हैं, क्योंकि इसे प्रेम का और अच्छी फर्टिलिटी का प्रतीक, या ऐसा कह सकते हैं जैसे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सेव खाने का विधान है। तो ये चीजें थी नए साल के दिन, पहले दिन हम क्या खाकर नए साल की शुरुआत करें। बहुत ज्यादा लोग सूप पीते हैं, सूप पीकर भी साल की शुरुआत करते हैं। आप कैसे मनाते हैं नए साल, क्या खाकर शुरुआत करते हैं, जरूर बताइएगा। वैसे तो लोग पिकनिक एंजॉय करते हैं, तो ऐसे में आप मटन वगैरह या फिर चिकन वगैरह भी खाते होंगे, कोई बात नहीं, खा सकते हैं, खाने की चीजें हैं तो एंजॉय करें, लेकिन भगवान का नाम जरूर लीजिएगा। आप जो भी भगवान को मानते हैं उनका नाम से ही आप नए साल की शुरुआत करें। फिलहाल वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।